देखने में ऐसा लगता है कि पूरा एक दो फ्लोर का घर जैसा बना हुआ है। नमस्ते इंडिया, मैं अजीत दुबई क्रीक से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ईरान के जो कार्गो शिप होते हैं ना, वो वुडन के बने हुए, वो कई सालों से ट्रेडिशनल होता है उनका, ब्लू कलर के, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये पूरा घर जैसा फील आता है, आप दूर से देखोगे तो कपड़े सूखते हुए दिख जाएंगे यहाँ पे। और काफ़ी ज़्यादा वो लोग रहते हैं यहाँ पे, सब कुछ उनका पूरा रहने खाने का सब सिस्टम होता है। और साइज़ भी छोटा सा होता है इन शिप का, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होता है। और देखिए लाइन से कितने ज़्यादा शिप खड़े हुए हैं, ये कुछ उधर खड़े हुए हैं, उधर सामने बर्दुबई है और ये दे रहा है, थोड़े आगे गोल्ड सुक है, वुडन ही है, कुछ भी नहीं है वुडन के अलावा पूरा। देखिए उधर भी देखिए, और ये दो फ्लोर में होता है। अभी सेकेंड फ्लोर के टॉप पे खड़ा हुआ हूँ। एक होता है बिल्कुल जहाँ पे ये लोग रहते हैं नीचे, और वहीं से उनका पूरा स्टार्ट करने का भी सब कुछ वहीं नीचे है, वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ पूरा सब कुछ। और ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, मेरे को काफ़ी दिन से मन था कि यहाँ पे आऊँ, मैं इन लोगों से बात करूँ। ईरान के लोग होते हैं, इनकी हिंदी थोड़ा कमज़ोर होता है लेकिन फिर भी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं थोड़ा थोड़ा। ये पुराना दुबई है, ईरानियों की एक सामने मस्जिद है, उधर आपको दिख जाएगा वो, अगर मैं दिखा पा रहा हूँ तो ईरानी लोगों की जो एक अपनी आर्ट होती है उसमें ब्लू कलर ज़्यादा होता है, तो वही ब्लू कलर के अभी भी शिप देखने को मिल जाते हैं लोगों के। अभी मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ। अभी मैं नीचे उतर के आ गया हूँ और यहाँ पे ये टैंक रखे हुए हैं कुछ पानी के, और इनका एक फ्लोर और है नीचे, यहाँ पे खाने पीने का रहता है इनका। और ये एसी भी लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए ये एसी लगा हुआ है। और एक ये बना हुआ है यहाँ पे, ये लोग सोने का भी रहता है इनका, देखिए। और ये पूरा कूलर, कूलिंग का चिलर होता है, इसमें क्या है कूलिंग करते हैं ये लोग। हाँ मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, रुक नहीं करेगा। देखिए ये अभी इन्होंने मेरे को ये निकाल के दिया हुआ है, ये दिया है, ये खाने के लिए दिया है। और ये अगर इसकी बात की जाए तो ये चलाने का है, इससे आगे बढ़ता है, इससे पीछे होता है। मैं नीचे जा रहा हूँ और नीचे जाने का थोड़ा रास्ता यहाँ से थोड़ा एडवेंचरस जैसा लगता है, नीचे आना पड़ता है। नीचे आ गया भाई, और यहाँ पे पूरा बॉक्स रखा हुआ है इधर भी, और काफ़ी ज़्यादा आइटम आ जाता है इसमें, इधर भी पूरा बॉक्स रखा हुआ है। तो अगर इन शिप की बात की जाए तो अभी ये दुबई से ईरान ट्रेड करने के लिए यूज होते हैं, ईरान जाते हैं, पाकिस्तान भी जाते हैं ईरान होते हुए, उसके लिए यूज होते हैं। और वैसे तो जबल अली है सबसे बड़ा फ्री जोन है जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है दुबई का, लेकिन जो यहाँ से होता है देरा साइड से होता है, उसके लिए एक हमरिया पोर्ट है, वहाँ से स्टैम्प लग के पासिंग वगैरह होकर निकलते हैं। मेरे को ये इंटरेस्टिंग इसलिए लगा था कि दूर से देखने में ऐसा लगता है कि पूरा एक दो फ्लोर का घर जैसा बना हुआ है दूर से, ब्लू कलर का। अब ईरान ही ब्लू कलर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनका पता नहीं ट्रेडिशनल है क्या है, तो वो ब्लू ज़्यादातर, उनके घर भी ब्लू ज़्यादातर होते हैं, तो ये ब्लू कलर के देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आकर्षक बनाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आज इसको। और इस सीढ़ी से होकर किसी को आना जाना होता है तो जाते हैं। ऊपर खड़े होकर भी बहुत अच्छा लगा था मेरे को। और ये थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, ये रोड है यहाँ के देरा का, थोड़ा सा आगे अल सब का बस स्टेशन है, और यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह भी आते रहते हैं। अगर थोड़ा सा आगे निकलें तो ये गोल्ड सुक आ जाएगा यहाँ पे, और एक थोड़ा सा आगे और जाएंगे तो अल रस है, वहाँ पे पूरा फूड का पूरा बहुत बड़ा होलसेल का मार्केट है, जो जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो सब वहीं पे दिख जाते हैं होलसेल के। देखिए एक टूरिस्ट की गाड़ी यहाँ पे आई हुई है, और जो बोट हैं जो बंदरम में ले जाती हैं यहाँ से, वो देखिए यहाँ से जा रहे हैं लोग बैठ के, अब उधर उतरेंगे बरदोई वाली साइड में, और जैसे जैसे शाम होती जाएगी ये बहुत अच्छा लगता जाएगा ये पूरा ये सब। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।